हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनजी फैशन स्टाइल। मैं हूं मन्नत और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं मेबलिन फिटमी का डोई एंड स्मूथ प्राइमर का रिव्यू शेयर करने वाली हूं। वीडियो है छोटी सी और वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है गाइस। अगर आपकी स्किन भी है बहुत ज़्यादा ड्राई या विंटर्स में हो जाती है बहुत ज़्यादा ड्राई, तो वीडियो को फुल देख लीजिएगा गाइस, ताकि वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो जब भी अपलोड होगी आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सी गाइस, आप देख सकते हैं ये है मेबलिन फिटमी का डोई एंड स्मूथ प्राइमर। जैसे कि इस पर आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, ये है इस टाइप का कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आपको ये जो है प्राइमर मिल जाता है। ये इसके ब्लैक कलर का बॉक्स है, ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग है। इन आउटर पैकेजिंग पे आप देख सकते हैं इस पर लिखा है मेबलिन फिटमी डोई एंड स्मूथ। इस पर लिखा है नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए ये प्राइमर है। इसका एक और प्राइमर भी जो आता है जो कि मैट एंड पोरलेस प्राइमर भी है। मेबलिन ने जो है इस रेंज में दो प्राइमर लॉन्च किए हैं जो कि मैट एंड पोरलेस प्राइमर है, बट मैं जो है इस डूई एंड स्मूथ प्राइमर का रिव्यू कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन जो है पोर्स का इशू है आपको, या फिर आपको मैट प्राइमर पसंद है, तो आप मेबलिन का वो वाला पोरलेस प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इधर साइड को, एंड ये प्राइमर भी काफ़ी अच्छा प्राइमर है क्योंकि ये डूई एंड स्मूथ बेस दे रहा है आपको, यानी कि एक प्राइमर का भी वर्क करता है और आपको डोई ग्लोई फिनिश भी देता है। तो ये स्पेशली जो है नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों को ध्यान में रखते हुए इस प्राइमर को मेबलिन ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसके पीछे पर लिखा हुआ है चाइनीज लैंग्वेज की दी गई है, एंड इसकी अदर साइड पर इसकी क्वांटिटी दी हुई है 30 ml आपको इसकी क्वांटिटी मिल जाती है, एंड इसके रेंज जो है 499 rupees का जो है ये प्राइमर पड़ता है। तो यहाँ पर मैं इस प्राइमर को निकाल लेती हूँ और आप प्राइमर देख सकते हैं गाइस। सो ये है इसकी पैकेजिंग। इसकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा क्लासी पैकेजिंग है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा इसका पैकेजिंग है। ट्यूब मिल जाता है, ये ट्यूब फॉर्म में है, कहीं पर से आपका लीकेज वगैरह नहीं होगा। ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा स्लिम सी पैकेजिंग है इसकी गाइस, और इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा इसलिए अच्छी लगी है क्योंकि ये ब्लैक शेड में है और ब्लैक कलर मेरा वैसे भी फेवरेट है। तो यहाँ पर जो ब्लैक और लेवेंडर कलर में जो इसको डिज़ाइन करा गया है ये काफ़ी अच्छा लगता है इसकी पैकेजिंग। एंड आप देख सकते हैं सेम लिखा हुआ है मेबलिन फिटमी का डूई एंड स्मूथ प्राइमर नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए है, एंड इसमें पाया जाता है विटामिन ई पाया जाता है जो कि आपकी स्किन को भी बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड रखने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। विटामिन ई हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो फर्स्ट यहाँ पर मैं इसको दिखा देती हूँ, ये इस टाइप का कैप है इसका। ये आपको नेजल मिल जाती है, बिल्कुल पतली सी नेजल है, इससे आपका प्राइमर निकलेगा। आप जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी ले सकते हैं, इसमें पंप टाइप कुछ भी नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट आपको जितनी ज़रूरत होगी आप उतना ही निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी इसकी खासियत है। तो आप देख सकते हैं ये है मैंने प्राइमर, इसकी वो कंसिस्टेंसी देख सकते हैं थिक फॉर्म में है, एंड इसमें डूई से पार्टिकल्स भी हैं। तो यहाँ पर मैं इसको बैक साइड बैक ऑफ दी हैंड आपको लगा कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको अप्लाई किया है, जस्ट यहाँ पर मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा यू नो मॉइस्चर टाइप जो आपको प्राइमर मिल जाता है, जैसे कि आपने जैसे फेस पे कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई किया हो इस टाइप में आपको फिनिश देखने को मिलती है। इसमें कोई शिवरी पार्टिकल्स नहीं है, चमकी पार्टिकल्स नहीं है, आपको ये डूई फिनिश देता है। जैसे आपने अपने फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई किया हो, विंटर से स्टार्ट है गाइस, और विंटर्स में हमारी स्किन आपकी चाहे जैसी भी हो, नॉर्मल भी हो, ऑयली भी हो, जब भी आपकी स्किन विंटर्स में ड्राई करती होगी, लेकिन अगर ड्राई स्किन है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है विंटर्स में। विंटर्स में हमारी स्किन जो है फटने लगती है, लाइक जैसे यहाँ पर फटने लगती है, फेस जो है बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। जब हम इस पर मेकअप अप्लाई करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फटाफटा सा लगता है, तो मॉइस्चर हट जाता है हमारी स्किन से। तो मॉइस्चराइजर की और हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और प्राइमर जो है ये आपको बहुत ही अच्छा आपको डूई एंड ग्लोई टच देता है। जब आप अपने फेस पे मॉइस्चर अप्लाई कर लें उसके बाद आप ये वाला प्राइमर अप्लाई करेंगे, जब आप अपने फेस पे फाउंडेशन इसके बाद अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ आपको स्किन देखने को मिलेगी, आप खुद फ़र्क देखेंगे गाइज। बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये प्राइमर है, आपको डूई एंड ग्लोई फिनिश देती है। विंटर्स में आपकी स्किन भी ड्राई करती है, तो आप पैसे इन्वेस्ट कीजिए और ये वाला प्राइमर परचेज कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो डायरेक्ट आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो किसी भी साइट से परचेज कर सकते हैं। इस जाता है प्राइमर 499 rupees का आपको ये प्राइमर मिल जाता है, यानी कि आप पैसे इन्वेस्ट कीजिए और जो है अच्छा प्राइमर परचेज कीजिए। लूक और प्राइमर से कुछ भी नहीं होता है, ये आपको टू इन वन मिलता है, आपको प्लस प्राइमर का भी वर्क करता है एंड आपको डूई एंड ग्लोई स्मूथ बेस देता है। तो यानी कि आपको दो चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं ये प्राइमर, इसलिए मुझे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। मैंने इसका पोरलेस
मैट प्राइमर भी देखा था, बट मुझे पोर्स का इशू नहीं है। और समर्स में मुझे पोर्स का इशू होता है, बट विंटर्स में मुझे इशू नहीं होता है। और विंटर्स में मुझे चाहिए होता है ग्लोई एंड स्मूथ मेकअप, तो इसलिए मैंने ये वाला प्राइमर परचेज़ किया है। और समर जब स्टार्ट होंगे मैं वो वाला प्राइमर परचेज कर लूँगी और उसका भी रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। तो विंटर्स के लिए ये प्राइमर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाईली रिकमेंड करना चाहूँगी मेबलिन फिट मी का डूई एंड स्मूथ प्राइमर, सो ट्राई कीजिए और चेक कीजिए। सो ये था आज का वीडियो, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में मेरी वीडियो जब भी अपलोड होगी आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, जब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।